बनाए जा रहे हैं मक्का आलू प्याज के पराठे। तो ये मैंने आलू लिए थे चार, बॉईल करके मैंने इनको मैश कर लिया है और मैं छोटे छोटे प्याज काट लिया है, ये देखिए, धनिया, हरी मिर्च और मक्का का आटा। अब हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले, में हम ऐड करेंगे कुछ सूखे मसाले। ये लिया मैंने नमक, ये हींग, ये रेड चिली पाउडर, ये अमचूर पाउडर, सूखा धनिया, अजवाइन, नौबहार चटनी एंड गरम मसाला, ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये मैंने पानी बॉईल कर लिया है, बिल्कुल अच्छे से उबाल लिया है इसको। अब हम इस बॉईल के पानी से ये आटा लगाएंगे। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी डालेंगे क्योंकि पानी बहुत उबला हुआ है, ध्यान से कहीं हाथ ना जल जाए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से गूंथ लेंगे, ये ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी के साथ इसको आटा अच्छे से लगाएंगे। देखिए ये देखिए, मैंने आटा लगा लिया है, ये देखिए। अब इसको ऐसे नहीं करना, इसको ये हथेली जो ये होती है हथेली, ये इससे इसको ऐसे ऐसे लोच लगानी है आटे में, ऐसे 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 ऐसे। कितना अच्छा आटा लगा मक्का का, जैसे गेहूं का हो। अब हम इसके बनाएंगे पराठे। थोड़ा हथेली में घी लेंगे, थोड़ी मोटी लोई बनाएंगे। देखिए थोड़ा आटा डालेंगे हम इसके, सूखा लोई में भी आटा लगाएंगे। अब इसको बेलेंगे, आराम से मिलेगी, रोटी नहीं टूट रही है। अगर आप आटा बहुत उबलते पानी से गूंथ लेंगे तो, ये देखिए साइड से इसके कोने जो क्रैक है साइड से उसको ऐसे घुमा के पर डाल दीजिए और कुछ सीखने का वेट करिए। एक रोटी नीचे सीख गई है, हम रोटी इसको पलट लेंगे। ऐसे में दूसरी रोटी बेल ली है, ये देखिए, तो ऊपर घी लगाई है। ऐसे दूसरा पराठा में डालेंगे, देखिए
आप मक्के का आटा जितना तेज गर्म पानी से गूंदेंगे आपकी रोटी में कोई गेहूँ जैसी बिलेंगी आराम से स्मूथली, अदरवाइज मक्का की रोटी जल्दी से बिलती नहीं है। आज मैंने मक्का का आटा सूखा रखा नहीं तो मैं गेहूँ के आटे से परोसन लगा रही हूँ। आटा ख़त्म हो गया है, गर्म गर्म परोसे, इसको चटनी से या चाय से जिससे आपका मन करे उससे आप गर्म गर्म, मक्खन से बटर से जिससे मन करे उससे आप खाएं। बाय। देखिए मैंने इसी तरीके से सारे पराठे बना के तैयार कर लिए हैं, ये देखिए कितने अच्छे बने हैं। ये देखिए एक एक पराठा आपको फूला हुआ बना है, ये देखिए आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छे लगते हैं। बाय।